ये भारतीय जनता पार्टी केवल विपक्ष को खत्म करना चाहती है। विपक्ष के हर नेता इन्हें लुटेरे दिखाई देते, बेईमान दिखाई देते हैं, अपने गृहमान में नहीं देखेंगे। पूरा प्रदेश और देश लूट लिया है। और देखिए विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं, पूरे विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं। तो वो तो फिर जनता है, जनता समय पर सबक सिखाएगी। आखिरी सवाल नेताजी, एक चीज ये सुन लीजिए। लूटने में लगाएंगे, वैसे तो पूरा प्रदेश लूट लिया है भारतीय जनता पार्टी। नौकरशाही ने पूरा प्रदेश लूट चुकी है और उसके साथ साथ मुझे तो दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई ईमानदार अब बचा नहीं है। मंत्री से लेकर के कोई ईमानदार बचा नहीं है। बताओ कोई ईमानदार आदमी हो तो बताइए, कोई ईमानदार नहीं। इतनी बेईमानी। और कुछ ऐसे मंत्री हैं बड़बोले हैं, और कुछ ऐसे मंत्री हैं, कोई ऐसे मंत्री हैं अस्पतालों में तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। अस्पताल में गए सर्दियों के समय, अस्पतालों में देखे ही रहे होंगे, कहीं डॉक्टर नहीं, कहीं दवा का इंतजाम नहीं। एक मरीज को मैंने देखा है अपनी सदरी पहनाते, उसने वो ठंड लग रही थी उसमें, तो उन्होंने मंत्री जी ने केवल मीडिया में रहने के लिए सदरी उतार करके उस मरीज को पहना दी। अच्छा बताइए वहाँ क्या कम्बल नहीं दिलवा सकते थे क्या? जब अस्पताल बलरामपुर जो हॉस्पिटल है, नेताजी के ज़माने में कितना अच्छे अस्पताल बनवा दिए गए थे लखनऊ में, क्या वहाँ पर ऐसे गर्म नहीं चलवा सकते थे, कम्बल नहीं दे सकते थे? केवल एक मरीज को सदरी उतार करके क्या उसकी ठंड बच गई? केवल मीडिया में रहने के लिए ऐसे मंत्री हैं। मैं अच्छा बताइए, किसी अस्पताल में दवाएं नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। उसी तरीके से जो बड़बोले सीएम है, केवल बड़बोले मीडिया में रहने के लिए, क्या उसकी सर्दी आधी माई की सर्दी से क्या उसकी सर्दी बच गई थी? तो इस तरीके से मीडिया में रहने के लिए। और वैसे ही ये बताइए, अब बताइए ये धारने के उसमें डीएम को लगाएंगे, कमेटी बनाएंगे, तो विकास कहाँ होगा? क्या ये करेंगे अस्पतालों का हालत क्या? अभी देखिए आलू में कितना है बर्बादी है किसान की, गेहूं में लूट लिया, धान में लूट लिया, खरीद कहीं हो नहीं रही, कहीं नहीं हो रही है, केवल लूटने में लगे हैं। अभी लोकसभा चुनाव कुछ दिन पूर्व हुआ था और सब जानते हैं कि समाजवादी पार्टी की आप जड़ है देश में, कहीं तो नामांकन नहीं हो रहे हैं। सीधा सीधा जितने भी लोग जा रहे हैं किसी को नामांकन नहीं करने दिया जा रहा, सभी जिलों में, अधिकांश जिलों में बेईमानी है। केवल भारतीय जनता पार्टी के जाएंगे, प्रशासन पूरा लगा दिया, अधिकारी लोग पूरे लगा दिए। क्या पार्टी के लिए वही संघर्ष के दौर है जब कांग्रेस के विरोध में आप लोग सड़क पर उतरते थे, आज वही दौर भाजपा कर रही है? नेताजी आप दोनों लोग जिस समय संघर्ष के दौर से इस पार्टी को खड़ा कर रहे थे, उस समय कांग्रेस किसी को पनपने नहीं दे रही, आज वही दौर आघोषित इमरजेंसी के नाम से आप लोग कहते हैं। देखिए उस समय भी हमने तो चुनाव लड़ा है, मैंने करीब चुनाव लड़ा था सबसे पहले 88 में, मैं जिला सहकारी बैंक का अध्यक्ष बना था। उससे पहले सोसाइटी का चुनाव लड़ा था, करीब 86-87 में शुरू हुआ था। लेकिन उस समय जो भी कांग्रेस का जमाना था, किसी को नामांकन नहीं रोका जाता, मैंने देखा है किसी का नामांकन नहीं रोका जाता था, और भी कहीं पर भी कुछ भी समझौते से या किसी तरीके से हमने भी कई चुनाव कराए हैं, किसी का नामांकन नहीं रोका है। हम लोगों ने मिलजुल करके समझौते जरूर किए हैं, सबको छूट थी,
लेकिन ऐसा भारतीय जनता पार्टी के सरकार में एक तो कानून भी बदले गए, रामचरितमानस का पाठ करा रही अपने फंड पर, पैसे भी दे रहे हैं जिलाधिकारियों को, आदेश दे रही है सरकार ने, क्या लग रहा है? देखिए पहले भी कथा भागवत और ये सब पाठ जनता अपने आप करती थी और देखिए हमारा देश धर्म निरपेक्ष देश की है, सभी को अपना अपना धर्म अपनाने का अधिकार भी है ना, और हम भी सब अपना अपने धर्म अपनाते हैं, तो जनता पे छोड़ देना चाहिए। जनता वैसे भी आस्था रखती है, हम लोग भी आस्था रखते हैं, अब बताइए प्रशासनिक अधिकारियों को उसी काम में लगाएंगे। अब प्रशासनिक अधिकारियों का काम है कि भाई विकास करो, सुविधा दो जनता को। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।